subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, ये है मनाली के पहाड़ों में जो एंजॉय करते हैं, ये ऊपर उड़ते हैं, इसके साथ एक पायलट है। अब ये देखो, ये नीचे उतर रहा है, आप गौर से देखना, इसके साथ एक पायलट और जो व्यक्ति घूमना चाहता है वो रहता है इसमें। यहाँ 1000 से 1500 रुपये रहते हैं और इसकी ये पूरा राउंड घुमाता है पहाड़ियों के ऊपर। ये अब ये देखो धीरे धीरे नीचे आ रहा है, इसमें पायलट ये रस्सियाँ सी होती हैं उनको खींचेगा और ये देखो ये नीचे आ गया जी। और हाँ ये देखो, अब इसको आप जूम करेंगे, ये देखो ये नीचे उतर गया जी। यहाँ पे 1000 से 1500 रुपये लगता है और ये पूरा हवाई जहाज की तरह राउंड करवाता है। ये तो देखो साइड में नदी जा रही है, इस नदी के किनारे पे ही होटल है, ये कशोल है। यहाँ कशोल के अंदर ये नदी जा रही है और यहाँ पे होटल है। इन होटल की विशेष बात है, ये तंबू में नाइट करवाते हैं, यहाँ पे रूम नहीं है। सारी जो फैसिलिटी है वो फैसिलिटी तंबू के अंदर रहती है, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। इसमें ये होटल है, अभी देखो आप, ये देखो ये होटल है, ये खाने की व्यवस्था रहती है जो भी यहाँ पे आते हैं वहाँ पे। और ये बाहर कुछ लोग खड़े हैं। अब हम तंबू की तरफ जाएंगे, बाहर तंबू दिखाएंगे भी, यहाँ से तंबू कैसे, ये ग्राउंड है रुकने के, ये देखो सारे तंबू दिख रहे हैं जी बाहर। यानी जो भी व्यक्ति यहाँ पे आके रुकता है वो तो सारे इन तंबुओं के अंदर रुकता है। यहाँ पे एक भी रूम नहीं है, इन तंबुओं की फैसिलिटी है जो रूम के हिसाब से ही है, जैसा रूम होता है वैसी होती है। ये लाइटें वगैरह लगाई हुई है, पूरा डिज़ाइन किया हुआ है। अब ये देखो जी, बाहर कुर्सियाँ डाली हुई है, ये सामने पहाड़ी दिखाई दे रही है। यहाँ कसोल है जी, ये कसोल, हाँ यहाँ से देखो सामने से पहाड़ियाँ कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। ये देखो अभी तंबू के अंदर दिखाते हैं आपको, ये अंदर तंबू की व्यवस्था रहती है। ये देखो यहाँ पे बेड भी है और नीचे ज़्यादा व्यक्ति आ जाएं तो उसके लिए नीचे भी लगाए पीछे, या अटैच बाथरूम भी है। यानी जो सुविधाएं होटल के अंदर कमरे के अंदर मिलती है वो सेम टू सेम सारी व्यवस्थाएं यहाँ इसे तंबू में की गई है। और ये ऊंचाई पे है, इसे ढलान के अंदर एक साइड में ऊंचा है और ऊपर इसे और ढलाना है। ये जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं ये यहाँ का एक फल है, सीताफल, विशेष करके टमाटर का वो होता है। अब हम पहुंच गए मणिकरण गुरुद्वारा, ये नदी है, ये आगे से निकल रही है गुरुद्वारे के आगे से। और इस गुरुद्वारे की विशेष बात है जी, ये देखो ये इस साइड में, ये देखो धुआं सा निकल रहा है, ये गर्म पानी आ रहा है इसके अंदर और ये नदी के अंदर आ रहा है। इसमें जो खास बात ये है, यहाँ पर जो खाना पकेगा वो सिर्फ और सिर्फ पानी से ही पकता है। यहाँ पे ऑटोमेटिक पानी निकलता है नीचे, 88 डिग्री से लेके 94 डिग्री तक उबाल खाता है। और ये आगे से नदी जा रही है, ये देखो जी यह नदी, हाँ ये गुरुद्वारे का मेन गेट है, मणिकरण गुरुद्वारा है कसोल मनाली के अंदर। ये यहाँ पे तालाब बनाया हुआ है, यहाँ गर्म पानी है, यहाँ व्यक्ति नहा सकता है, जो भी आए इसमें रह सकता है। इसमें लिख रहा है ज़्यादा देर रहने से इसमें चक्कर आ जाते हैं इस पानी में, तो इसमें पानी में आप स्नान कर सकते हैं, ज़्यादा इंजॉय नहीं कर सकते, बढ़िया तरीके आप स्नान करके चल सकते हैं। अब हम वो चीज़ दिखा रहे हैं जहाँ पे पानी निकल रहा है और खाना पक रहा है। अभी आपको दिखाएंगे खाना कैसे पकाया जा रहा है इस पे। देखो हम नीचे जा रहे हैं, ये देखो भाप निकल रही है सब जगह, ये देखो यहाँ से, यहाँ ये फट्टे डाले हुए हैं, ये देखो बोरियाँ वगैरह पानी है, ये देखो यहाँ पे कोई भी अग्नि वगैरह जली हुई नहीं है, ऑटोमेटिक पानी आ रहा है और ये पानी उबाल खा रहा है। ये बोरियों के नीचे हंडियाँ हैं, हंडी के अंदर चावल वगैरह, खीर वगैरह, कड्डी, जो भी बनानी होती है वैसे पानी से ही उनको पकाते हैं। और इस पानी का टेम्परेचर 88 डिग्री से 94 डिग्री रहता है। यहाँ पे गुरु नानक जी का बता रहे हैं, यहाँ कुछ आशीर्वाद है, पहले कुछ ऐसी कोई घटना हुई थी उस घटना से आ रहा है। ये 1.5 किलोमीटर में गांव फैला हुआ है, उस गांव के पूरा का मतलब ये आ रहा है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी आप ये देखो और बताओ। और ये जो है इस पे आप पोस्ट करके देख सकते हो यहाँ की क्या व्यथा है क्या नहीं है। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, लाइक करें।